फुट गैलरी और एक बार फिर से आप सभी का साक्षी फुट गैलरी पर स्वागत है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मंचूरियन बनाए हैं, बट मंचूरियन तो अक्सर सबको ही बनाते हैं, बट यहाँ पर हम मंचूरियन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे मैगी मंचूरियन। तो आप सब इस मैगी मंचूरियन की रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कि आपको मेरे ये मैगी मंचूरियन कैसे लगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं मैगी 2 पैक्स, साथ ही हमने लिए मैगी मसाला 2 पैकेट और पानी लिया है 2 कप। अब सबसे पहले हम एक सॉस पैन में डालेंगे 2 कप वाटर। अब इस पानी में जब तक उबाल आएगा, जब तक हमें ये जो मैगी है इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमें ये मैगी मंचूरियन बनाना है, तो उसके लिए मैगी छोटी ही रहे तो सही होता है। चलिए अब इस मैगी को हम उठा के उसी बॉइलिंग वाटर पे ऐड कर देंगे और नॉर्मल सिंपल मैगी हम बॉयल करके तैयार करेंगे। अब इस मैगी पे हम डालेंगे मैगी मसाला। याद रखिए, हमें जो मैगी में पानी डालना है वो थोड़ा कम ही रहे और हमें इसका जो सारा पानी है वो बिल्कुल पानी को बचाना ही नहीं है हमें। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी जो मैगी बन के तैयार हुई है, यहाँ पर बिल्कुल सूखी मैगी मैंने बनाई है। यहाँ पर जो मैगी है उस पर कोई भी पानी नहीं बचा हुआ है। अब इस मैगी को हमें ठंडा कर लेना है थोड़ी देर के लिए, और ठंडा होने के बाद हमें एक बड़े से बोल पे इसे ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है मैगी जिसे हमने बना के रख लिया था, साथ ही हमने यहाँ पर लिया कटे हुए शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून, कद्दूकस किया हुआ गाजर 2 टेबल स्पून, कद्दूकस किया हुआ कैबेज 2 टेबल स्पून, कटे हुए प्याज 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और साथ ही हमने लिया है सेजवान चटनी 1 पैकेट, और मैदा लिया है हमने 3 टेबल स्पून, और कॉर्नफ्लोर लिया है हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून। अब सबसे पहले हम इस मैगी पर डालेंगे ये 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च, साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबल स्पून कटे हुए प्याज। अब यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ गाजर हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबल स्पून, और साथ ही डालेंगे कद्दूकस किया हुआ कैबेज 2 टेबल स्पून। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सेजवान चटनी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे नहीं भी डाल सकते, फिर भी टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, मैदा डाल रही हूँ और कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, और लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे इस पर नमक। थोड़ा सा फ्लेवर और लाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हम इसे हाथ की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम अपने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस मिक्सचर को थोड़ा सा अपने हाथ पे लेंगे और इसे गोल गोल करेंगे, इसे मंचूरियन बॉल्स का शेप देंगे। इसे हल्के हाथों से हमें इसे मंचूरियन बॉल्स बना के तैयार करना है। यहाँ पर हमारा मंचूरियन बॉल बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सूखी मैगी जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए थे। अब यहाँ पर हमारा जो पहला मंचूरियन बॉल है वो बन के तैयार हो चुका है। अब इसी तरह हमें सारे मंचूरियन बॉल्स बना के तैयार कर लेने हैं। हम यहाँ पर वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। अगर आपका ये मंचूरियन का मिक्सचर अगर थोड़ा भी गीला हो गया है तो आप यहाँ पर चावल का आटा इस पर मिला सकते हैं, बट आप ये बात का ध्यान रखेंगे कि आप जो मैगी का पानी है वो बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे सारे मंचूरियन बॉल्स बनके तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ बड़े शेप्स के और कुछ छोटे शेप्स के हमने मंचूरियन बॉल्स बनाए हैं। चलिए अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में तेल डालकर हम यहाँ पर सारे मंचूरियन बॉल्स डालेंगे और इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पर मेरे जो मंचूरियन बॉल्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्रिस्पी मैगी मंचूरियन बॉल्स बनके तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें चाहे तो सूखा भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
तो चलिए ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तेल 2 टेबल स्पून, कटे हुए प्याज 1/4 कप, यहाँ पर मैंने इन्हें ऐसे शेप पे कट किया है, और साथ ही मैंने लिया यहाँ शिमला मिर्च 1/4 कप। आप चाहे तो कलरफुल शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, जैसे रेड कलर, येलो कलर। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है कैबेज 1/4 कप, जिन्हें मैंने ऐसे लंबा बारीक काट लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है गाजर 1/4 कप, जिन्हें मैंने लंबा काट लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है नमक, यहाँ पर हम 1 पिंच नमक ही यूज़ करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, यहाँ पर मैंने हरे और कुछ लाल मिर्च लिए हैं काट के। और सबसे लास्ट पे मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन, जिसे मैंने छोटे छोटे काट के रख लिए हैं। अब फ्लेवर लाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया सेजवान चटनी, और साथ ही मैंने लिया है 1 पैकेट मैगी मसाला। यहाँ पर मैंने लिया टोमेटो सॉस, सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस। इसके बाद अब हम यहाँ पर लेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप नॉर्मल वाटर। अब हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर मिक्सचर बना के तैयार करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके जितने लम्स हैं डिजॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे इस पर सिर्फ 1 पिंच नमक डालेंगे हम इस पर, और नमक डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉर्नफ्लोर मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई पर डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इस पर डालेंगे गार्लिक, और साथ ही हम इस पर डालेंगे लाल और हरी मिर्च। अब हम इस पर डालेंगे प्याज कटे हुए, कुछ कटे हुए शिमला मिर्च, गाजर, और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे कैबेज। थोड़ा सा इन्हें फ्राई होने देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए अदरक का पाउडर, मैंने यहाँ लिया 1 टीस्पून। आप चाहे तो इसमें अदरक कद्दूकस करके डाल सकते हैं। काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, और इन्हें मिक्स करते हुए अब हम इसमें डालेंगे सारे अपने सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून और टोमेटो सॉस 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप यहाँ पर टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब को डालने के बाद मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर फ्लेवर लाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सेजवान चटनी। आप चाहे तो, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे नहीं यूज़ करें, फिर भी ये बहुत टेस्टी आएगा। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून सेजवान चटनी डाल रही हूँ, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे डालने के बाद। और यहाँ पर हम मैगी मंचूरियन बना रहे हैं, तो हम मैगी मसाला इसकी ग्रेवी में कैसे नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 पैकेट मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ। अब थोड़ा सा हम इस पर ओनली 1 पिंच सॉल्ट डालेंगे, और यहाँ पर हम अपना कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाल देंगे। यहाँ पर हमने नमक थोड़ा सा इसलिए डाला है क्योंकि जो सारे सॉस है उस पर नमक ऑलरेडी होता है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी। अब पानी में अच्छे से उबाल आ जाने के बाद अब हमने जो मंचूरियन बॉल्स बना के रखी थी वो हम इस पर डाल देंगे, और सिर्फ 2 मिनट के लिए हम अपने गैस पे इसे चलाते रहेंगे। उसके बाद हम अपने गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे मैगी मंचूरियन जो बन के तैयार हो चुके हैं वो बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर मंचूरियन बॉल्स कितनी ईजिली बना के तैयार रखा है, और यहाँ पर मैगी लवर्स तो वैसे भी सबको ही होते हैं। तो प्लीज़ एक बार इस मैगी मंचूरियन को ट्राई करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं, और आप भी इन्हें फटाफट जाके बना के तैयार करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको मेरे ये मैगी मंचूरियन कैसे लगे। अब इसे सर्व करते वक्त मैं यहाँ पर इसके ऊपर डाल रही हूँ धनिया के पत्ते। आप चाहे तो इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपने देखा मेरे मैगी मंचूरियन की रेसिपी। अब आप भी इसे फटाफट जाके बना के ट्राई करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना बिल्कुल नहीं भूलेगा कि आपको मेरे ये मैगी मंचूरियन बॉल्स की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर, वो भी एक नई रेसिपी के साथ। सो हे ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग साक्षी फूड गैलरी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।